हे मेरा बायों कने बात हई, देसी का खातिर जाने गवाई। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है संध्या राणा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे मुल्क मेरे पहाड़ पे। तो कैसे हैं आप लोग? आयोग के सब अच्छे होंगे और मैं भी सही से हूँ। तो फिर से नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और नए दिन के साथ साथ नया ब्लॉग शुरू हो रहा है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करें मैं हमेशा की तरह अपने प्यारे से गांव जोगोर से और अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो अभी सुबह की 8 बज चुकी है और 8 बजे जा रही हूँ मैं घास लेने। और सबसे पहले आप लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएँ। और अभी सुबह सुबह मैं जा रही हूँ खेतों में घास लेने के लिए। तो आज जंगल नहीं जा रही हूँ, तो आज मैं खेत में जाऊँगी। और इधर देखे, रात को इतना ज़्यादा बारिश आई ना, और बारिश से सारे कपड़े देखे जो घास है इससे ओस गिरी हुई है, तो पूरे गीले गीले हो गए हैं। और इधर सामने से देख सकते हैं रास्ता कैसे फिसलन वाला हो रखा है, पूरी काई जमी हुई है, तो फिसलने का बहुत ही ज़्यादा डर है। तो अभी यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं सुबह प्रभात फेरी पे। तो आज देखिए जो पहाड़ों का मौसम है कुछ इस तरह से है, काफ़ी सुहावना दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं ऊंची ऊंची डांडियों में देख सकते हैं कोहरा लगा हुआ है और नीचे नीचे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो हमारे पहाड़ों में देखिए जो धान की फसल है ना, तो ये पूरी तरह से हो चुकी है, यानी कि पकने वाली है अब कुछ ही दिनों में। तो अगले महीने से लगा लो हमारे, तो अगले महीने से ना हमारे पहाड़ों में जोर ज़बरदस्त की धान की कटाई होने वाली है। ये देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे खेत हैं धान के। और जो यहाँ से हमारे खेत दिखाई देते हैं ना, यहाँ नीचे देख सकते हैं पूरी मंडुआ वाली सारी है। और जहाँ जहाँ यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं ये सेमार वाले खेत हैं, जहाँ पे दिखाई दे रहा है देवकुंड, यानी कि यहाँ पे है नौण देवता के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। तो इधर देख सकते हैं पूरे जो सिंचाई वाले खेत हैं उनमें भी पूरी धान हो चुकी है। तो आज मैं ना दूर नहीं गई, क्योंकि आज सुबह सुबह अंधेरे में पता क्या हो गया, गौशाला जा रही थी मैं घर के पास में, रास्ता ऐसे फिसलन वाला हो रखा था ना, तो उसमें लुढ़क गई और कमर में दर्द हो गया। तो सोच रही हूँ घास तो निकालूंगी लेकिन भारी कैसे लाऊंगी, इतना तेज दर्द हो रहा कमर में। तो यहाँ से देख सकते हैं जो केदार घाटी की खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, तो इन पहाड़ियों पर भी देख सकते हैं बादल मंडरा रहे हैं, ये देखिए। और केदार घाटी के साइड तो पूरा आसमान काला हो रखा है बारिश आने के लिए। तो आज की वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को 15 अगस्त पे एक प्यारा सा गढ़वाली गीत सुनाऊंगी, जो कि हमारे देश के जो
तो हमारे देश के जो सैनिक शहीद हुए हैं तो उन पे एक प्यारा सा मार्मिक गढ़वाल गीत आप लोगों को सुनाऊंगी। हे मेरा बायों कने बात है, देसी का खातिर जाने गवाई। हे मेरा बायों कने दुखी होई, देसी का खातिर जाने गवाई। जन्म जन्म को कने रोण होई, जो माँ बापों ने लाडी लखई, जो माँ बापों ने लाडी लखई। हरी भारी धरती पिंग लुघाम, दुलब देखने वे गे राम राम, दुलब देखने वे गे राम राम। ऋतु बड़ी ओंदा दिने बड़ी ओंदा, जो मन की जांदा बड़ी नी आंदा। ऋतु बड़ी ओंदा ऋतु बड़ी जांदा, जो मन की जांदा बड़ी नी आंदा। हे विदाता मीने के बिगाड़ी तेरो, किल छीनी तेने बच पान मेरो। हे विदाता मीने क्या बिगाड़ी तेरो, किल छीनी तेनी बच पान मेरो। माँ बाप को सारो बे बड़ों को साथ, कने वे गे मी को अंधेरी सिरात। माँ बाप को सारो बे बेणों को साथ, कने वे गे मी को अंधेरी रात। देसी का खातिर खाई कसम, फर्जीनी बाई विज्ञान शहीद। देसी का खातिर खाई कसम, फर्जीनी बाई विज्ञान शहीद। नी कने मेरी माँ जी तुने मेरी दौन, मेरा धगड़ा माँ बगीवान रोंदा, मेरा दगड़ा माँ बगीवान रोंदा। सचू होलू तेरु ते मूग आलू, अपड़ा गौरी माँ जन्म ल्यालू। सचू होलू तेरु ते मूग आलू, अपड़ा गौरी माँ जन्म ल्यालू। सचू होलू तेरु ते मूग आलू, अपड़ा गौरी माँ फिर जन्म ल्यालू। अपड़ा गौरी माँ
फिर जन्म लो लो अपना घर माँ फिर जन्म लो।